छत्तीसगढ़ सरकार के 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राजधानी रायपुर स्थित दूधाधारी मठ पहुंचे और यहां पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। उन्होंने मंदिर प्रांगण में स्थित श्रीराम पांचाल मंदिर में भी पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 3 साल में हम सभी विपरीत परिस्थिति में एकजुट होकर सभी समस्याओं का निराकरण करने में सफल हुए। ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसका सहयोग ना मिला हो, चाहे कोरोना के मामले हो या अन्य कोई भी मामला हो, सभी वर्ग के लोगों का सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद मिला है, तब जाकर आज छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचाइयों को छू रहा है। सबका सहयोग मिला तभी यह संभव हो पाया। मुख्यमंत्री बघेल ने मंदिर परिसर में गौ पूजन कार्यक्रम में शामिल होकर गौ माता की आरती उतारी और चारा खिलाकर आशीर्वाद लिया। छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजेश महंत राम सुंदर दास ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इस मौके पर शिवरी नारायण मंदिर से लाया गया कृष्ण वट का पौधा भेंट किया। 3 साल पूरे हुए और इस 3 साल में जहां किसानों के सेवा करने का अवसर मिला, वनवासियों की सेवा करने का अवसर मिला, गौ माता की सेवा करने का अवसर मिला और उसका प्रतिफल है कि पूरे प्रदेश में लोगों के आय में वृद्धि हुई, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे उद्योगपति हो, सभी जगह सभी वर्गों में खुशहाली का वातावरण और जो पुरखों ने जो सपना देखा था समृद्ध छत्तीसगढ़ का, उस दिशा में हम लोग लगातार प्रयासरत हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस गति से हम लोग काम कर रहे हैं और जिस प्रकार से बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है, तो बहुत तेज़ी से छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने में सबके सहयोग से हम सफल होंगे और समृद्ध छत्तीसगढ़ का जो सपना हमारे पुरखों ने देखा था उसे पूरा करें। मठ पर रायपुर का मैं प्रथम सेवक हूँ, राजेश श्री महंत राम सुंदर दास।